कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8 बज गया, थोड़ा लेट से जगे हैं, तबीयत ठीक नहीं है बोल के, इसीलिए अभी नाश्ता के लिए सब्जी कट रहे हैं। 8 बज गया, कब बनाएंगे नाश्ता पता नहीं। टॉफी को भी नहला दिया, ये देखिए टॉफी नहा करके दूध पी रहा है। थोड़ा मिक्स वेज बनाएंगे, वही काट रहे हैं। मम्मी अभी गाजर काट रही है, इधर बीन्स है, ये देखिए छत से टमाटर को तोड़ के ले आए। मम्मी मना कर रही थी, पक गया है, घर में है टमाटर, घर में नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है, लीची नहीं है जैसा, स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है। घर में टमाटर है इसीलिए हम उसको मना किया, बोले मत लाओ। वो क्या कर रहा है, जाके तोड़ के लाए, बोले एक लाते हैं, जाओ सब ले। उसको तोड़ने में अच्छा लगता है इसीलिए। स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा मेरे को तो ना। देखिए मार्केट का देखिए और घर का देखिए अंतर। मार्केट तो बड़ा बड़ा है, घर के घर में खाद देते हैं ना क्या, मिट्टी दिया, पानी दिया, जो फूल रोज पूजा करते हैं उसका जो एक पॉलिथीन में रखते हैं फूल सबको इकट्ठा करके, वो थोड़ा ये हो जाता, मतलब गीला टाइप का हो जाता, तब ले जाके मिट्टी खोद करके चारों तरफ फेर कर टब में दे देते हैं, फिर मिट्टी तोप देते हैं। तो ये क्या करे, उसमें और कुछ मिलता है वो लोग को, वो लोग कितना खाद दे के बनाते हैं। आजकल दवा भी तो देने लगे हैं, बड़ा बड़ा हो जाएगा तुरंत करके, तो इसीलिए तो बड़ा बड़ा हो। नाश्ता करेंगे जा रहे हैं, आज मिक्स वेज सब्जी बना है, पराठा। मम्मी नाश्ता कर रही है, नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद अभी बर्तन नहीं धोए हैं, हम धोएंगे, मम्मी नहीं धोएगी। मम्मी का थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा है? हाँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक है। दवाई नहीं खाए ना? नहीं खाएंगे, भूल गए सब्जी कटने में। सब्जी कटने बैठ गए मम्मी आज। क्या साग है माँ? बथुआ साग है, थोड़ा सा खाते, ज्यादा नहीं पसंद मेरे को। डंठी काट रही मम्मी, ये आ गया, वो साग लेके चल गया, सो गया वहाँ पे बिस्तर पे जाके, उसको चढ़ा दिया गया, सो गया। अब मम्मी इधर सब्जी काट रही है, हम इधर छोटा मछली लिया गया, उसको चुन देंगे बोल रहे है। बड़ा मछली है, उसको मम्मी धोएगी, हम नहीं धोएंगे ना माँ। देखिए मम्मी साग काट ली है उधर, ये क्या कर रहे हैं? मेरा मम्मी बोलती थी साग को चुनने के बाद ना उसको थोड़ा ऐसा नाक में ऐसा सूंघ के झाड़ देने से कीड़ा उड़ा होगा तो निकल जाएगा, तो नहीं टूटता है। हम इधर फिश भी मतलब चुन लिए हैं, अलग अलग कर दिए, साफ कर दिए, धोए नहीं है। मम्मी उधर साग भी चुन लिए, सब काटी, काटे नहीं है ना? नहीं, सब्जी कल काटी है, काटी नहीं भी, काटे की साथ। मम्मी सब्जी काट ली है, हम मछली सबको धो भी दिए, बड़ा मछली भी धो दिए हैं, हल्दी नमक नहीं दिए हैं। मम्मी सब्जी धोए नहीं है ना? धोए नहीं है। आज बतवा साग बोले ना मैं इसको, आज बतवा साग बनेगा, और मेरा फेवरेट सब्जी वो नहीं बोलेंगे। अरे ये वाला बतवा साग में क्या बैगन मिलाइएगा? अच्छा, ये साग में मम्मी मिलाएगी बैगन, और लहसुन अदरक प्याज सब काट के रखी है। मम्मी उधर साफ सफाई कर रही है, उसके बाद खाना बनेगा। जा रहे, इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर देंगे। आज घर में धनिया पत्ता का चटनी बन रहा है ना माँ? हाँ, इमली, हरा मिर्चा और लहसुन अभी पिसाया नहीं है, ज्यादा नहीं, एक दो को लहसुन, हरा मिर्चा एक को और इमली, और नमक भी दिए? नमक दिए नहीं, बाद में देंगे। नमक दे देंगे तो अभी पानी छोड़ेगा, पूरा भर जाएगा। अच्छा, वो चटनी नहीं बनेगा, वो झोल हो जाएगा, कड़ी। धनिया पत्ता का कड़ी बन जाएगा। अभी हम तो नहीं खाते हैं, सब कोई खाता है, हम बहुत कुछ नहीं खाते हैं, धीरे धीरे जान पाइएगा आप लोग। देखिए धनिया पत्ता का चटनी बन के रेडी हो गया। मम्मी बस इसमें नमक नहीं मिक्स की है, एकदम ग्रीन ग्रीन, खाने में बहुत टेस्टी। आप लोग भी बना के खाइएगा, हम नहीं खाते लेकिन। नहीं, हम ऑर्डर नहीं दिए, हम खाते नहीं, ऑर्डर कहाँ से देंगे? मम्मी खाती है, सब कोई खाता है घर में, हम नहीं खाते। सुबह से दूध भी नहीं पिया, कुछ नहीं, भैया का बिस्तर में भैया के साथ सोया हुआ है। भैया भी नान, ए खाना नहीं खाएगा रे तुम? देखिए ना मम्मी को बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा है, मम्मी आई है तो, ये देखिए मम्मी आई है तो। खाना नहीं खाएगा, चलो चलो खाना खाएंगे, चलो चलो। देखिए राइस से धुआं निकल रहा है गरम गरम। आज साग फ्राई बना है, छोटा मछली फ्राई, बड़ा मछली का फ्राई, हम तो सब्जी का खाते नहीं है, और मेरा फेवरेट सब्जी डंठी देके बना है, बहुत टेस्टी बना है खाना सब, साग फ्राई भी, सब्जी भी, मछली तो टेस्टी है, हो गई। मम्मी भी नाश्ता बोल रहे,
लंच करेगी, तब ही नहीं आ रहा उठ के, वो सोया ही हुआ है। लंच करने के बाद आप लोग से मिले नहीं क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ा गला खिस खिस कर रहा है, उसी में सर्दी खांसी बुखार नहीं है, उसी में लेट गए थे। लेट करके माँ बेटी ब्लॉग देख रहे थे, हम लोग का जो फेवरेट है वो लोग का ब्लॉग देख रहे थे, फिर देखते देखते हम थोड़ा सो भी गए थे। जो डॉगी बच्चा थो कल का ब्लॉग में देखे होंगे, कल ना परसों का ब्लॉग, ना परसों का ब्लॉग में देखे, उसको हम सोचे गला में कुछ अटक गया तो उसको लाके सूखा मुड़ी दिए ठीक हो जाएगा, लेकिन कल का ब्लॉग में शायद ठीक नहीं हुआ, मेरा तबीयत भी खराब हुआ परसों का ब्लॉग में, कल तो हम ब्लॉग नहीं छोड़ पाए, मेरा तबीयत खराब हो गया था। वो डॉगी बच्चे को कोई कुछ खिला दिया कि कुछ कर रहा, पता समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा पूरा चिल्ला रहा, रो रहा, और पूरा इधर हम लोग का कॉलोनी का जितना जगह है पूरा चक्कर मार के घूम के आ जा रहा, इसे ही कल से भटक रहा, रो रहा, खाना भी कल तक खाना खाया था आज नहीं खाना खाया, ऐसे हो रहा, अच्छा नहीं लगता, कोई कोई देख के हंस रहा, कोई कुछ बोल रहा, पागल जैसा है, उसका शरीर में कुछ तबीयत खराब है वो नहीं दिखता है, जमाना ऐसे ही, क्या करिएगा, डॉगी को कोई प्यार करता कोई नहीं करता। डिनर हो गया, बर्तन भी धो लिए, आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, मेरा ब्लॉग तो आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन मेरा ब्लॉग आप लोग नहीं देखते, देखते तो मेरा ब्लॉग आज 2 साल हो गया, बहुत ऊंचाई पहुंच जाता, मेरा ब्लॉग जैसे कि वैसे ही है। गुड नाइट, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत बोल दिए, गुड नाइट, बाय।